मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में हैं, हीलिंग के क्षेत्र में हैं, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, उपचार के क्षेत्र में हैं, पूजा पाठ के क्षेत्र में हैं। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाल चिरिंगी दाने के ऊपर खास प्रकार के प्रयोग की। आपको पता ही होगा चिरिंगी के दाने 3 रंग के होते हैं। काला रंग माता काली का होता है, लाल रंग माता लक्ष्मी का होता है और सफेद रंग माता सरस्वती का होता है। तो आज हम लाल चिरिंगी दानों की चर्चा करेंगे। लाल चिरिंगी दानों के बारे में कहा जाता है कि अगर आधी रात के वक्त लाल चिरिंगी दाने पर कनक धारा प्रयोग कर दिया जाए तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। वैसे माता के किसी भी स्वरूप की पूजा होती है चिरिंगी दानों पर, लेकिन आधी रात के समय लाल चिरिंगी दानों पर माता कनक धारा का अनुष्ठान कर दिया जाए तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये खास बात मानी जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो लाभ होता है अगर उसकी चर्चा करें तो कहते ना कि कोई लिमिट ही नहीं है किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए। एक कहते ना कि जैसे एक डूबते इंसान को तिनके का सहारा भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, उसी तरीके से ये जो साधना होती है, एक इंसान जो दिवालिया हो चुका है या दिवालिया हो रहा है, नौकरी उसकी चली गई है या नौकरी जा रही है, बिजनेस उसका डूब चुका है या डूबने की कगार पर है, पारिवारिक अनबन पूरी तरीके से क्लेश मुक्त हो गया है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तंत्र बाधा से परेशानी चल रही है, बीमारी, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, चारों तरफ से एक कहते हैं ना तबाही, अगर ऐसी हालत में कोई व्यक्ति है तो बहुत समस्या आती है। ऐसे में व्यक्ति का किसी न किसी रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रचंड नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति भावनाओं से जुड़ा रहता है, वह अपने आप को, अपने परिवार को कोई दुख देना नहीं चाहता, तो इसकी वजह से उसका आर्थिक नुकसान बहुत होता है। तो इसके लिए ये खास तरह का प्रयोग है। ये प्रयोग आधी रात को, शुक्रवार के दिन आधी रात को, और या फिर किसी भी धनतेरस या दीपावली या गुरु पुष्य नक्षत्र को किया जाता है। ये बहुत 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 काम में आता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है आधी रात को, आधी रात जो होती है वो 12 बजे के समय को कहा जाता है। रात के 12 बजे के समय को आधी रात कहा जाता है। तो आज का प्रयोग रात को 12 बजे के समय का है। ये प्रयोग बहुत ही आसान और एक आधे घंटे का प्रयोग माना जाता है। आपको करना क्या चाहिए, ढीले ढाले वस्त्र पहन लीजिए, शांत कमरे में बैठ जाइए, याद रखें ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने। अपने सामने 51 चिरिंगी के दाने ले लो, लाल चिरिंगी के दाने। लाल चिरिंगी के दाने ऐसे होते हैं, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये लाल चिरिंगी के दाने होते हैं, बहुत खास माने जाते हैं, बहुत ही शक्ति है इनके अंदर, इनके अंदर ऊर्जा को खींचने की क्षमता 100 गुना ज्यादा होती है। तो 51 दाने, कम से कम 51 दानों की जरूरत पड़ती है। ज्यादा दाने हो तो और भी अच्छी बात है, इन कम से कम 51 दानों की जरूरत पड़ती है। ये 51 दाने किसी भी स्टील की प्लेट में या कटोरी में रख लें, 51 दाने किसी भी स्टील की प्लेट में या कटोरी में रख लें, और रखने के बाद सेम तरीके से ये मुद्रा लगाएं, ये देख लीजिए,
ये मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ऐं श्रीं कनकधारा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा, 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 ओम ऐं श्रीं कनकधारा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं कनकधारा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं कनकधारा लक्ष्मी क्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यह मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप करना है। 35 साल के ऊपर वाले हैं 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें, 35 साल के नीचे वाले जो हैं तो करीब करीब 15 से 20 मिनट मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है, बस ये मुद्रा लगाएं और ये मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप बहुत ही पावरफुल माना जाता है। मैं बार बार मैंने कहा आपको कि चिरमी के दाने को आधी रात के समय अगर कनकधारा मंत्र से प्रयोग किया जाए, सोने पे सुहागा, 10 गुना ज्यादा इसका लाभ मिलता है। कनक धारा लक्ष्मी जो मानी जाती है, कनक यानी सोना, सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी होती है। इनकी आराधना कभी भी बेकार नहीं जाती। आमतौर पे इनकी आराधना जो बड़े लेवल का सपना पूरा करना चाहते हैं उनके लिए की जाती है। कर्ज अगर आपके ऊपर बहुत चढ़ गया है तो इनकी साधना की जाती है। मतलब नॉर्मली 10,000 रुपया अगर कर्ज हो तो कहा जाता है कि इनमें माता कनक धारा की अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,00,000 अगर इस तरीके के कर्ज होते हैं तो कहा जाता है माता कनक धारा की शरण में जाइए आप, तो ये बहुत काम में आता है। और ये 20 मिनट का प्रयोग है। जब मंत्र का आप जाप हो जाता है, मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन आप दान करते हैं। इसके बाद ये जो चिरमी के दाने हैं, इसको किसी कांच के बोतल में, कांच की डब्बी में, प्लास्टिक की डब्बी में, लकड़ी की डब्बी में इसको रखें और ऊपर से एक तुलसी का पत्ता रख दें उसके ऊपर। बस एक तुलसी का पत्ता उसको ऊपर रख के ढक्कन बंद कर लें। इसको आप अपने घर के मंदिर में रखें, अपने तिजोरी में रखें, अपने गले में रखें, अपने अलमारी में रखें, आपके हिसाब किताब की जो डायरी है, कागज है, वहां पर रखें। आप देखें इसका बेनिफिट कितना मिलता है। इसको किसी भी दिवाली, धनतेरस, शुक्रवार या गुरु पुष्य नक्षत्र को आधी रात के समय किया जाता है। बस आप इस बात का ध्यान रखें, समय इसका होता है आधी रात। आधी रात का समय यानी ठीक 12 बजे ये प्रयोग करना होता है। और ये ज्यादा से ज्यादा बहुत समय अगर लग गया आपको तो ये आधे घंटे में खत्म हो जाता है अभ्यास। एक ही बार का है, इसको दोबारा करना है तो कम से कम जो गैप होगा वो 3 महीना 6 महीने का होना चाहिए। नहीं तो ये आपको जो चिरमी दाने हैं ये बहुत 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 काम आते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का साक्षात निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं चिरमी दाने जहां पर होते हैं वहां पर लक्ष्मी आबद्ध हो जाती है, यानी लक्ष्मी स्थापित हो जाती है। तो ये प्रयोग आपके जीवन में बहुत मदद करता है। बस आपको लाभ मिले तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।